दोस्तों हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की तरफ से। ठीक है, ये दोस्तों नोटिफिकेशन ये है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी मतलब आर ओ आर ओ का जो यूपीएससी आर ओ आर ओ का जो पेपर था आपका यूपीपीसीएस आर ओ आर ओ का सॉरी दोस्तों यूपीएससी निकल गया यूपीपीसीएस आर ओ आर ओ का जो पेपर प्रीलियम में जो लोग पास हैं उनके लिए जो है कि मतलब ये नोटिफिकेशन आया है। अगर आप प्रीलियम्स आपका निकला हुआ है, ठीक है, प्री निकला हुआ है, तो आप जो है कि अब जो है मेंस के लिए जो है मुख्य परीक्षा के लिए जो है कि यहाँ पे जो है कि आप दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आइए फॉर्म के बारे में जान लेते हैं क्या दे रखा है। डेट यहाँ पे जो है दोस्तों लिखे दिया है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी आदि सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2021 के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को तद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट जो है कि upsc.up.nic.in के होम पेज पर जो है फिल ऑनलाइन डिटेल फॉर समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी जो है एग्ज़ाम 2021 पर क्लिक करके आवश्यक सूचना ऑनलाइन फॉर्मेट पर भरनी होगी। सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन नंबर बेसिक डिटेल्स जन्मतिथि लिंग निवास श्रेणी इत्यादि दें। निर्देशों एवं प्रक्रिया का जो है भली भांति अध्ययन करने के पश्चात क्लिक हेयर टू पेमेंट द रिक्वायर्ड फी फॉर मेन एग्जामिनेशन क्लिक करें। ठीक है, सब कुछ देखने के बाद ही आपका सही है कि नहीं सही है, उसके बाद ही जो है कि आप पेमेंट करें। इसके पश्चात SBI जो है MOPS जो है का पेज प्रदर्शित होगा जिसमें भुगतान हेतु निम्न विकल्प जो है उपलब्ध होंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं SBI मतलब जो पेमेंट लेंगे पेमेंट पोर्टल जो है SBI के माध्यम से ही जो लिया जाएगा। ठीक है, अथवा 55 अन्य बैंकों में किसी एक बैंक का चयन करना होगा। ठीक है, और अदर बैंक भी होता है जिसे चयन किए गए बैंक द्वारा डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग इस माध्यम से भी आप जो है कि पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सभी अभ्यर्थी प्रदर्शित फॉर्मेट पर विकल्प प्रयागराज लखनऊ तथा गाजियाबाद में से वांछित केंद्र को सेलेक्ट करें। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उपयुक्त वांछित सूचनाएं यथा परीक्षा केंद्र के जिले का नाम दिनांक 31 मार्च 2022 तक सही एवं सावधानीपूर्वक भरना सुनिश्चित करें। ठीक है, यहाँ पे जो है 31 मार्च तक आपको फॉर्म जो है दोस्तों कंप्लीट कर लेना। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा आप लोगों की आप जितना जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म जो है कंप्लीट कर लें, वही आप लोग के लिए ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म सेट सेव सबमिट करने के उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित समय में ही अभ्यर्थियों को यदि कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो उसको संशोधन हेतु जो है केवल एक बार संशोधन आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in के होम पेज पर जो है प्रदर्शित विकल्प क्लिक टू मॉडिफाई ऑनलाइन डिटेल आफ्टर सबमिशन फॉर समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी ETC एग्जाम 2021 पर क्लिक करके जो है आप संशोधन कर सकते हैं। मतलब एक ही बार आप संशोधन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक ही बार पोर्टल पर आप वो करके जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया दिनांक 31/3/2022 तक सही एवं सावधानीपूर्वक भरना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र एवं भूपूर्व जो है सैनिक है उनका प्रमाण पत्र प्रारूप PDF फाइल वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट आवेदन पत्र को मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्न प्रत्येक की जो है अंक तालिकाओं उपलब्धियों तथा अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की जो है स्वप्रमाणित प्रतियां भी जो दें। ठीक है, जो आपका रिजल्ट आया था उसका जो है कि PDF भी आपको अपलोड करना है सहित एक लिफाफे में भरकर तथा उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता पर्ची जो है एड्रेस स्लिप चस्पा कर दिनांक 7/4/2022 को जो है अप्रैल 5 तक जो है दोस्तों यहाँ 5 PM तक अपराह्न तक जो है कि मतलब दोपहर मतलब शाम तक अथवा उसके पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा अनुभाग 4-10 जो है कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज पिन कोड नंबर यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए 21/10/18 को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या 3 पर जो है इसी डाक अनुभाग के काउंटर पूछताछ काउंटर पर अवश्य उपलब्ध करा दें। उक्त अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 4 देखिए। इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के संबंध में प्रस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप भी स्वीकार किए जाएंगे, परंतु उसके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। नोट, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी आदि सामान्य विशेष चयन मुख्य परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थीगण यह सुनिश्चित कर लें कि जिस
जिस ग्रुप के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए अर्हता धारित करते हैं, अन्यथा अर्हता धारित न करने पर उनका जो है अभ्यर्थन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद।